माय चैनल वेलनेस डाइट। अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल दही भले घर पे ही बनाने आ जाएं तो क्या कहना, साथ में इमली की सौंड, खट्टी मीठी इमली की चटनी, साथ में हरी चटनी धनिए की, तो क्यों ना इसकी प्रिपरेशन देखी जाए। स्ट्रीट स्टाइल दही भले सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, बहुत टेस्टी है, एक बारी तो प्लीज बना के देखना। आज पहले हम अपनी इमली की चटनी और हरे धनिए की चटनी से शुरुआत करें, उसके बाद हम अपने टेस्टी भल्लों के पास आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इमली की चटनी की प्रिपरेशन। पहले हम बनाएंगे अपनी चटनी, इमली की और हरे धनिए की चटनी, जो भल्ले के ऊपर बहुत अच्छी लगती है। तो हमें पहले चाहिए टर्मरिंड, यानी चाहिए खरबूजे के बीज लगभग 50 ग्राम्स, हमें चाहिए किशमिश लगभग 50 ग्राम्स, हमें चाहिए गुड़ या अराउंड 100 ग्राम्स, हमें चाहिए थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर टेस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। लगभग 2 ग्लास पानी डालेंगे हम। अपने पैन को अच्छे से गर्म कर लेना। 1 कटोरी 2 ग्लास में हम डालेंगे अपनी इमली, ये डी सीड हुई हुई है इमली। हमारा उबाला आ गया, अब हम डालेंगे अपना गुड़, साथ ही में हम डालेंगे अपना नमक और मिर्च स्वाद अनुसार। इस पानी को हाफ करना है, इसको रिड्यूस करना है हाफ में। जब तक ये हाफ हो रहा है, हम अपनी हरी पुदीने की चटनी बना लेते हैं। पर धनिए की चटनी में लगभग आधी कटोरी दही लेंगे, घर का दही, दही वाली चटनी बनाएंगे। फिर डालेंगे हम अपना धनिया, अच्छे से धो के वॉश कर लेना। अपनी लगभग 3 हरी मिर्चें, चटनी को एक बाउल में पोर करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ना अदरक ना लहसुन ना मूंगफली, आप स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। लगभग 1 नींबू डालिए। हमने इसको एक जार में ट्रांसफर कर दिया है ताकि हम इसको रेफ्रिजरेट करके 3 से 5 दिन भी फ्रिज में यूज कर सकते हैं। देखिए हमारी इमली की चटनी भी बिल्कुल हाफ रिड्यूस हो गई है। अब हम इस स्टेज पे आके अपनी गैस को बंद कर देंगे और इसको ल्यूकवॉर्म होने देंगे रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे ताकि हमारी चटनी बनके ठंडी हो गई थी। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें डी सीड्स हमने इमली ली थी, तो आप भी वो ही लेना, वरना फिर बाद में ग्राइंड करने के टाइम मुश्किल आती है। डालिए लगभग 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, लगभग 1/4 ब्लैक पेपर पाउडर। ये कितनी थिक बनी है, कितनी थिक बनी है, बिना किसी कॉर्नफ्लावर के हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी, यानी कि सौंड। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश, क्योंकि इमली की चटनी में मेरे बच्चों को किशमिश बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, स्किप भी कर सकते हैं। अब डालेंगे हम खरबूजे के बीज। लग रही है ना टेम्पटिंग? आप भी अपने घर में इतनी आसान और टेस्टी चटनी बना सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेट करके अराउंड 10 डेज भी रख सकते हैं एक एयरटाइट कंटेनर में। देखिए हमारी हरी धनिए की चटनी दही वाली और हमारी सौंड इमली की चटनी खट्टी मीठी बिल्कुल रेडी है। आप ऐसे कंटेनर्स में इनको कम से कम 7 से 10 दिन भी रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। आप किसी भी चीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपने दही वड़े को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी दालों का उपयोग करना है और कितनी क्वांटिटी में। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है लगभग आधी कटोरी मूंग दाल,
पीली मूंग दाल है, आधी कटोरी उड़द दाल, सफेद मूंग दाल जिसे कहते हैं, और ये है हमारी आधी कटोरी चना दाल। आप अपने फैमिली और के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इतनी ही प्रोपोर्शन में इसको लेना। होप आपको इन दालों का अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमें इसको ओवरनाइट सोक करना है मिक्स करके, तभी बनेंगे हमारे टेस्टी नटराज के भल्ले। चने की दाल से ये बहुत करारे बनते हैं, इसलिए इसको स्किप बिल्कुल मत करना। हमने अपनी दाल को अच्छे से भिगो लिया था ओवरनाइट और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। आप कोशिश करना इसको बिना पानी डाले ही ग्राइंड करना, हमें पतला नहीं चाहिए। हमें इसको भी और ग्राइंड करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको स्मूथ पेस्ट दाल बना सकते हैं। हमें इतना कंसिस्टेंसी में दिखाना चाहिए। हमने इसको 5 मिनट रेस्ट कर दिया है अपने बैटर को, दाल के बैटर को ग्राइंड भी कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और हमने कढ़ाई में तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। स्वाद अनुसार ब्लैक पेपर पाउडर, लोग इसमें अदरक के लच्छे भी डालते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल लें। मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता तो मैंने स्किप करा है। लगभग 1/4 स्पून हमने भुना जीरा भी डाला है। अब इसमें हम डालेंगे अपना किशमिश, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालना, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। आप इसको जितना अच्छे से फेंटेंगे ये उतने अच्छे फूलेंगे। कोई इनो, कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालिए, ऐसे ही बहुत अच्छे बनते हैं, फूले फूले बनते हैं। टूथपिक की सहायता से देखेंगे कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है, बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये रेडी है। हमने अपना पानी भर के रख लिया ताकि हम भले तल के इसके अंदर डाल सकें। आप इस बैटर को भी रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं 4 से 5 दिन तक। आपको जितने भी साइज के अच्छे लगते हैं आप उतने साइज के बनाइए, छोटे बड़े मीडियम जैसे भी। अब हमारे ये पक गए हैं, अब हम इसको पानी में डालेंगे जिससे ये सॉफ्ट हो। देखिए कितने फूले फूले बने हैं, हमने लगभग आधा चम्मच डाला था एक बॉल में। हमारे भल्ले कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको जब भी खाना है लगभग 5 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखना। हम बाकी के भल्ले भी तल लेते हैं। हमारे भल्ले सोक्ड हैं पानी में, ताज़े पानी में, रूम टेम्परेचर में। अब हम अपने दही का मट्ठा बनाएंगे, थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा। इसको हम छानेंगे ताकि ये इवेनली, इसमें कोई लम्स ना आए। आप कोई भी विस्क की सहायता से ये सब कर सकते हैं। अपने दही में जो कि बीट हो चुका है, इसमें डालेंगे अपनी पिसी हुई चीनी पाउडर, शुगर लगभग 2 चम्मच, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और इसको विस्क करेंगे दही को। चीनी बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है। आइए अब हम अपने भल्ले की प्लेटिंग करते हैं। हमारी चटनियाँ भी रेडी हैं, हमारा अनार भी रेडी है जो हम डेकोरेट करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे। हमारी सेव भी रेडी है और हमारा मट्ठा भी रेडी है दही का। एक बारी इस तरीके से ज़रूर बना के देखना, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। स्ट्रीट स्टाइल दही भल्ले जो नटराज के पुराने दिल्ली के भल्ले भी फेल कर देगा, ये तरीका ज़रूर अपनाना। हमारी दही भल्ले की प्लेट ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी लग रही है। तो स्ट्रीट स्टाइल दही भले बिल्कुल रेडी हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हाइजीन तरीके से आप इसको घर पे बना सकते हैं।
हमने थोड़ा अनार के दाने, सेव और भुना जीरा के साथ इसको सर्व किया है और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स के साथ। तो होप करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए वेलनेस डाइट। और मेरे व्यूज तो आ रहे हैं गाइज, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज के साथ मिलती रहूं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।